जब भी स्टार्टअप की बात होती है तो हमारे जहन में सबसे पहले कर्नाटक के बेंगलुरु का नाम आता है। लोग इसे भारत के स्टार्टअप कैपिटल के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद नाम आता है दिल्ली का। लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो अलग ही एक तस्वीर बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि देश में सरकार से मान्यता प्राप्त कुल स्टार्टअप का 58% सिर्फ 5 राज्यों में ही सीमित है? और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन सा राज्य है जो सबसे पहले नंबर पर आता है और कौन से राज्य में स्टार्टअप की संख्या अभी भी कम है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि देश में 30 नवंबर 2022 तक सरकार से मान्यता प्राप्त कुल स्टार्टअप की संख्या 84,012 है और इनमें से लगभग 60% स्टार्टअप महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में रजिस्टर्ड हैं। अब बारी आती है कि आखिर सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स कहाँ हैं। देश में सरकार से मान्यता प्राप्त कुल स्टार्टअप में से 15,571 स्टार्टअप्स के साथ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। जी हाँ, इसके बाद 9,904 की संख्या के साथ कर्नाटक दूसरे और 9,588 की संख्या के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में 7,719 और गुजरात में 5,877 स्टार्टअप को सरकार से मान्यता मिली है। भारत में स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 16 जनवरी को 2016 स्टार्टअप इंडिया मिशन लॉन्च किया था और इसका मकसद देश में होने वाले इनोवेशन को आगे बढ़ाना है। इतना ही नहीं, स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत सरकार नई कंपनियों को अलग अलग पड़ाव पर पूंजी की सहायता भी देती है और इसके लिए सरकार ने फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप और सीड फंड स्कीम भी पेश की है। इन फंड्स का कामकाज सिडबी देखती है, वहीं जरूरत के मुताबिक स्टार्टअप कंपनियों को फंड का वितरण भी करती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।